प्रियंका गांधी वाड्रा कल लखनऊ आ रही हैं। 2022 के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में तमाम पदाधिकारियों के साथ आज अजय कुमार लल्लू ने बैठक भी की है। बात करेंगे लल्लू जी से। सर, कल प्रियंका जी आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्या 2022 की चुनाव की तैयारियों को लेकर आप लोगों ने पूरा खाका तैयार कर लिया? देखिए, उत्तर प्रदेश की आवाज है, जन जन की भावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश का विश्वास है। और जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो नौजवानों के रोजगार के मुद्दों को लेकर हो, किसानों के सम्मान को लेकर हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, गांव गरीब खेत खलियान का मुद्दा, जिस तरह सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, हमें भरोसा है और विश्वास है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आने के बाद एक जोश है, उत्साह है, उमंग से पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान लबरेज है। माताएं बहने पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी हैं और हमें भरोसा है 2022 में सरकार बनाएंगे। अभी कितने दिन का प्रवास है उनका लखनऊ में? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में रोज है, आज भी है, कल भी थी, परसों भी थी, आने वाले दिन में लगातार है। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश को आप केवल लखनऊ से ना जोड़े, कुशीनगर से लेकर गाजियाबाद तक, इलाहाबाद से लेकर चित्रकूट तक, 75 जिले और 403 विधानसभाओं का क्षेत्र है। आपको याद होगा अगर CNRC के दौरान लोगों के दमन की कार्रवाई हुई, आदर प्रियंका गांधी मेरठ गई, मुजफ्फरनगर गई, सहारनपुर गई, बिजनौर गई और लोगों की आवाज को उठाने काम किया। अगर बेटी के साथ अन्याय हुआ हाथरस में तो उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया, अगर उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो आदरणीय प्रियंका गांधी न्याय की लड़ाई को लड़ने काम किया, सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई तो आदरणीय प्रियंका गांधी ने सड़कों पर संघर्ष किया। और मैं समझता हूं जो रोज लोगों में है, लोगों की आवाज उठा रहा है, वो तो रोज यहीं पर है। क्या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माना जाए प्रियंका गांधी को इस बार? देखिये, ये तो सेंट्रल नेतृत्व को तय करना है, CWC को और राष्ट्रीय नेतृत्व को, लेकिन हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी हैं, उनके नेतृत्व में 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आप सुन रहे थे अजय कुमार लल्लू को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो कि प्रियंका गांधी आ रही हैं तो ऐसे में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, वो तय करेगा। कैमरा पर्सन शोएब के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।